बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, और जो सिलेबस के मुताबिक हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हमने आपको पढ़ाया, तो इसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी पढ़ी आपने। अब नॉन मेटल्स हम शुरू करते हैं, व्हाट नॉन मेटल्स आर एंड व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं, नेदर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा दे आर नेदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। उसका मतलब ये हुआ कि ना हम इनसे थिन वायर्स बना सकते हैं और थिन शीट्स बना सकते हैं और नहीं थिन वायर्स बना सकते हैं जैसे हम मेटल में बनाते हैं। ये होते हैं ब्रिटल, यानी ये ब्रेक इजीली। तो यहाँ पे कुछ आपको नॉन मेटल्स की एग्जांपल दे देंगे, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये सभी आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल्स। तो इन जनरल देयर आर अबाउट 22 नॉन मेटल्स। ये जो 22 नॉन मेटल्स हैं इनमें से 10 सॉलिड्स है, 10 नॉन मेटल्स जो है सॉलिड्स है, 1 नॉन मेटल जो है ब्रोमीन, दैट इज ब्रोमीन, ये लिक्विड है। तो रिमेनिंग जो 11 नॉन मेटल्स है वो गैसेस है। तो केमिकली अगर हम देखेंगे नॉन मेटल्स जो होते हैं ये वो एलिमेंट होते हैं विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे आपको सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम होता है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन होता है उसमें 17। इसमें सोडियम में जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 7। स्टेबिलिटी के लिए जो सोडियम है ये एक देता है इस क्लोरीन को और क्लोरीन गेन करता है इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, यानी क्लोरीन नॉन मेटल है, ये हो गया ये इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, यानी ये फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयंस। तो इसके बाद अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं नहीं ये मेलेबल होते हैं नहीं डक्टाइल, यानी इसका मतलब ये हुआ ना हम इनसे शीट्स बना सकते हैं जैसे हम मेटल्स में बनाते हैं, ना इनसे थिन वायर्स हम बना सकते हैं, बल्कि ये होते हैं ब्रिटल, यानी दे ब्रेक इजीली। यानी सल्फर और फास्फर फोर्स के हम अगर एग्जांपल ले लेंगे जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें हम ना शीट्स बना सकते हैं न वायर्स, बल्कि अगर हम इन्हें ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। दूसरा, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों नहीं कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट कार्बन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। बस नॉन मेटल्स में से यही एक है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नंबर 3, नॉन लस्टरियस, यानी उनमें शाइन नहीं होती है नॉन मेटल्स में, ये डल होते हैं। 4th फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड को छोड़ के, जो कार्बन की एक एलोट्रॉफी है उसको छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नंबर 5, जो नॉन मेटल्स होते हैं कंपैरेटिवली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं एक्सेप्ट डायमंड के। तो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस। व्हाट डज दैट मीन, यानी अगर हम उसको स्ट्राइक करेंगे नॉन मेटल्स को, उनमें से जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से रिंगिंग साउंड पैदा नहीं करते हैं। तो ये था आज नॉन मेटल्स और इनके बारे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह कल आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एज पर सिलेबस जो है तो उसके मुताबिक बता दिया जाएगा। खुदा हाफिज़।